हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरकार लंबे इंतजार के बाद फटाफट क्रिकेट का मेला यानी T20 वर्ल्ड कप जो कि शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट के 16वें मुकाबले के बारे में, जो कि एक तरफ नीदरलैंड है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका देखने को मिलेंगे। यह मैच आपको 8 जून को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 67% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करेंगे पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे न्यूयॉर्क के पीछे T20 बैटर्स के लिए चुनौती पेश करते हैं। इसके अलावा शुरुआती सिम मूवमेंट्स स्विंग बॉलर की मदद करेगी, पिच बैटर्स के लिए अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती है। पिच खासतौर पर फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छी होगी, इस कम स्कोर वाले विकेट में एक खास तरह का असंगत उछाल भी हो सकती है। वहीं अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 86 है, वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 88 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि नीदरलैंड एक मैच जीत के आ रही है तो वहीं पर साउथ अफ्रीका भी एक मैच जीत के आ रही है। अगर बात करते हैं पहली टीम यानी नीदरलैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पे नीदरलैंड ने पहले गेम में नेपाल पर आसान जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरे मैच में हालात और भी खराब की होने की उम्मीद है। ओपनिंग में बात करें जो कि मैक्स ओडेड एंड मिचेल लेविट जो कि खेल रहे हैं, मैक्स ओडेड ने लास्ट गेम में 50 रन बनाए थे। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में विक्रमजीत सिंह, तेजा, निदा मनरू जो टीम को स्टेबल करते हैं, बास दिल्ली जो टीम के एक्सपेक्टर हैं, वहीं कैप्टन स्कॉट एडवर्ड एंड वेजली ब्रेसी जो कि लो ऑर्डर में टीम की ताकत है। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें जो कि डच टीम के लिए बहुत सारे पॉजिटिव रहे, उन्होंने कंडीशन का भरपूर फायदा भी उठाया, जिसमें टीम प्रिंगल ने 3 विकेट लिए, वहीं पे लगान वेक ने भी 3 विकेट चटकाए। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें जो कि लगान वेक ने T20I में मैच में 29 विकेट हासिल किया, वहीं पे पॉल वैक मिग्रेन ने जो कि 7 T20I में खेलों में अब तक 69 विकेट ले चुके हैं। स्पिन बॉलिंग में जहां पे आर्यन दत्त खेल रहे हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि माइकल लेविट है, मैक्स ओडेड है, विक्रमजीत सिंह है, सिब्राट एजल ब्रेज है, स्कॉट एडवर्ड्स है जो कि कप्तान है, बास जी लीडे है, तेजा निदाम नुरू है, विलियम निकम्बा है, टीम प्रिंगल है, वहीं लगान वैन विक है, पॉल वैन विक्रेन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि बास दे लीडे है, स्कॉट एडवर्स है, मैक्स ओडेड है। अब अगर बात करेंगे दूसरी टीम यानी साउथ अफ्रीका का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पर टीम के स्क्वाड को देखें तो साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत मजबूत नजर आए, टीम टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदार है, टीम की सेमीफाइनल में आसानी से जगह बना सकते। टीम ने श्रीलंका पर जीत के साथ टूर्नामेंट का अच्छा स्टार्ट किया था, रिजा हैंड्रिक्स और क्वेंटन डिकॉक जो कि ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में जहां पे हेनरी क्लासन है, कैप्टन एडम मकराम जो टीम की सबसे बड़ी ताकत है, वहीं पर लो ऑर्डर में जहां पे टीस्टन स्टब्स एंड डेविड मिलर जो कि हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं, टीम की बॉलिंग मजबूत है। लास्ट गेम में टीम ने श्रीलंका को 77 पे ही ऑल आउट कर दिया था। वहीं कसिगो रवारा एंड एंड्रिज नॉर्डी जो कि फास्ट बॉलिंग की शुरुआत कर सकते हैं, वहीं पे एनरिक नॉर्जे जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस भी करके आ रहे, उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट लेकर T20 में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। वहीं पे मार्को जेंसन एंड जेआर कोजी टीम के एक्स फैक्टर है, स्पिन डिपार्टमेंट में किशन मजाब खेल रहे हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि क्वेंटन डिकॉक है, रिजा हैंड्रिक्स है, एडम मक्राम है, एनरिक क्लासन है, डेविड मिलर है, क्रिश्चियन स्टब्स है, मार्को जेंसन है, जेआर कोजी है, तबेस शमसी है, केशव महाराज है, कशिगो रवारा। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि हेनरी क्लासन है, क्वेंटन डिकॉक है और मार्को जेंसन है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है और प्लेयर कंडीशन को अच्छी तरह से जानते हैं, नीदरलैंड को इस मैच में जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। या देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम जिस कड़ी भी मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं उसमें कौन सी टीम लीड लेती है। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम के स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में यहाँ पर साउथ अफ्रीका होगा, यहाँ पे नीदरलैंड को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।